all of you how are you all i hope you all are well and you are also doing your studies it is your computer class for class 5 chapter 10 chapter name is more on pivot animator part 1 today in this chapter we are going to discuss about adding adding background in pivot animator and using edit mode Color reduction feature that what is color reduction feature and why we use it? Dithering, uh, what is the Dithering method and optimization? So, for this, I'm going to open Pivot Animator window. So, with the help of this, you will better understand the topic. So, it is your Pivot Animator window, it is stick figure. एंड दीज ऑल आर देंडल्स ऑफ स्टिक फिगर ये जो रेड और ऑरेंज आपको दिखाई दे रहे हैं दीज ऑल आर देंडल्स ऑफ दिस स्टिक फिगर फाइवर्ट एनिमेटर इज यूज फॉर क्रिएटिंग सम स्मॉल एनिमेशन अगर हमें एनिमेशन बनाने होते हैं तो उसके लिए हम फाइवर्ट एनिमेटर का यूज करते हैं आप इन हैंडल्स पे क्लिक करेंगे तो आप इस तरीके से मूव कर पाएंगे दिज ऑल आर देंडल्स इन सब हैंडल्स का यूज हम क्यों करते हैं एनिमेटर uh, को मूव करने के लिए ठीक है और एनिमेशन हम कैसे बनाते हैं लाइक like हमने इसको कोई मोमेंट दे दिया एंड देन फ्रेम और फिर उसके बाद में हमने इसका मोमेंट चेंज कर दिया लाइक दिस अगेन एड फ्रेम देन हमने अगेन इसके मोमेंट को चेंज किया ज so like अब हम जब इसको प्ले करेंगे तो जो भी हमने एनिमेशन दिया है जो भी मोवमेंट हमने दिया उसी तरीके से मूव करेगा ठीक है सो लाइक दिस वी कैन क्रिएट सम एनिमेशन फर्स्ट ऑफ ऑल एडिंग बैकग्राउंड सो टू a अ बैकग्राउंड इन योर animator आप अगर इसको कोई बैकग्राउंड देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा क्लिक ऑन फाइल एंड क्लिक ऑन दिस बैकग्राउंड आप इस लोड बैकग्राउंड पे जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बैकग्राउंड uh, मिल जाएंगे ठीक है और अगर यहाँ पे बैकग्राउंड नहीं मिलते हैं आपको और आपके पास बैकग्राउंड अगर नहीं है तो आप आ, कहीं और से भी बैकग्राउंड डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है like, लाइक ऑनलाइन बैकग्राउंड डाउनलोड कर सकते हैं या आप खुद बैकग्राउंड बना सकते हैं ठीक है अभी इसमें स्टिक फिगर्स हैं बट इसमें बैकग्राउंड नहीं है क्योंकि बैकग्राउंड इस इमेज इस पिक्चर में नहीं है तो हम कोई और बैकग्राउंड वैसे ही डाउनलोड कर लेते हैं लाइक like हम लाइब्रेरी में गए और यहाँ पे हम गए पिक्चर्स में आ, कोई बैकग्राउंड अगर हमारे पास हुआ तो हम उसको डाउनलोड कर लेंगे लाइक हम इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है तो देखिए ये बैकग्राउंड इसके पीछे आ गया है ठीक है तो इस तरीके से आप कोई भी बैकग्राउंड अगर आपके कंप्यूटर में हो या आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप अपलोड uh, कर सकते हैं बैकग्राउंड अपलोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा क्लिक ऑन दिस फाइल देन क्लिक ऑन दिस लोड बैकग्राउंड और आप वहां से बैकग्राउंड को लोड कर पाएंगे ठीक है नेक्स्ट इज Using edit mode. Edit mode का आप यूज कर सकते हैं आप अगर जो ये एडिट मोड क्या होता है इन पाइव एनिमीबल फिगर ज्वाइंट वाइल क्रिएटिंग फिगर टाइप अगर आप एक नया फिगर बनाएंगे तो आप वहां पर एडिट मोड यूज कर सकते हैं कैसे यूज करेंगे एडिट मोड आप आप जब फाइल पे क्लिक करते हैं यहाँ पे यहाँ पे आपको आप क्रिएट फिगर टाइप पे जाते हैं फाइल पे क्लिक करके क्रिएट फिगर टाइप और यहाँ पे आप एक फिगर बना सकते हैं अपने आप लाइक आपको एक जो प्राइवेट एनिमेटर है वो किसी और टाइप का चाहिए तो आप यहाँ पे उसको बना सकते हैं ठीक है जैसे ये हमने बना दिया है ना और अब हमने इस तरीके से हम एक फिगर बना सकते हैं और ये फिगर बनाने के बाद में हम यहाँ पे एडिट मोड को ऑन कर सकते हैं तो अभी क्या हुआ हमने ये यह यहाँ पे एडिट मोड ऑन है एडिट मोड ऑन मींस जो इसकी जो लेंथ और जो इस फिगर इस स्टिक फिगर की लेंथ वगैरह हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं ठीक है तो अभी जैसे ये स्टिक फिगर बन गया अब इसको हमने फाइल पे गए और इसको हमने ऐड टू एनिमेशन अगर हम करेंगे या तो हम इसको सेव कर लें अगर हम इसको ऐड टू एनिमेशन करेंगे तो ये हमारे इसी एनिमेशन में आ, आ जाएगा मैंने इसको नेम कुछ भी दे दिया तो अब देखिए ये हमारे इसी वाले एनिमेशन में इसके साथ में ही आ गया इसको हम यहाँ पे रख सकते हैं ठीक है सो लाइक दिस वी कैन क्रिएट आर ओन स्टिक फिगर नेक्स्ट इज कलर रिडक्शन फीचर सो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट इज कलर रिडक्शन फीचर्स द कलर रिडक्शन फीचर इन पाइवोट एनिमेटर कैन बी यूज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ जी आई एफ एंड ऑल्सो रिड्यूज इट्स फाइल साइज यू कैन ऑल्सो चेंज द अवेलेबल कलर्स मैनुअली कलर रिडक्शन फीचर से आप जो आपके एनिमेशन के जो कलर्स हैं उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं और उसका साइज भी कम कर सकते हैं फॉर दिस क्लिक ऑन दिसल हमने फाइल पे क्लिक किया और वहां से हमने क्लिक किया एक्सपोर्ट एनिमेशन पे एक्सपोर्ट एनिमेशन पे जाके आपने इसको सेव कर दिया फर्स्ट ठीक है और यहाँ पे देखिए सेव एस टाइप में जी आई एफ ही होना चाहिए और हमने इसको सेव कर दिया डेस्कटॉप पे ठीक है अब यहाँ पे क्या आया देखिए ये ऑप्शन आया यहां से आप क्लिक करेंगे एडवांस बटन पे अब एडवांस बटन पे आपको यहाँ पे मिलेगा कलर रिडक्शन कलर रिडक्शन में जाके आप यहां से इसे कोई भी कलर दे सकते हैं लाइक आप अगर इसे आ, जैसे आपने इसको दे दिया ये यह, यहाँ पे ठीक है एंड देन क्लिक ऑन तो यहाँ पे आपने एक सेकेंड हम यहाँ पे ग्रे स्केल सेलेक्ट करते हैं हमने ग्रे स्केल सेलेक्ट किया एंड देन क्लिक ऑन ओके यहाँ से हमने ओके okay पे क्लिक कर दिया तो देखिए हमारा जो वो फाइव ऑट है वो सेव हो गया अभी हम वापस से ओपन करते हैं उसको तो हम फाइल पे गए फाइल पे जाके हमने ओपन एनिमेशन किया डेस्कटॉप पे गए हम और डेस्कटॉप पे हमने उसको सेव किया था तो ये जो फाइल है हमारी इसको हम डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यहाँ से दे सकते हैं ऐसे ही क्या करना है आपको अगेन आप एक बार वापस देख लीजिए <coughs> आपको जाना है फाइल पे देन आपको सेव एनिमेशन पे क्लिक करना है ठीक है इसको हम क्लिक करेंगे सेव एनिमेशन एज पे ठीक है यहाँ पे हमने इसको क्लिक किया और यहाँ से हमने डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हम इसका कुछ भी नेम दे देंगे जो भी हम नेम देना चाहते हैं अपनी फाइल का ठीक है और फिर उसके बाद में एडवांस पे क्लिक करके हम इसको कलर रिडक्शन दे सकते हैं लाइक हमें इसको कलरफुल रखना है या हमें इसको ब्लैक एंड वाइट कर देना है या आ, हमको इसमें टू ही कलर रखने हैं ठीक है तो वो सब हम यहां से कर सकते हैं कलर रिडक्शन फीचर से ठीक है सो लाइक दिस यू कैन सेव इट नाउ नाउर नेक्स्ट टॉपिक इज यूजिंग डिथर मोड सो व्हाट इज डिथर मोड द क्वालिटी ऑफ जी आई एफ मेड इफ यू आर यूजिंग मैनी कलर इन द बैकग्राउंड अगर आप बहुत सारे कलर बैकग्राउंड में यूज करते हैं तो कई बार आपका जो एनिमेशन uh, है उसकी साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसके लिए आप डिथर मोड का यूज कर सकते हैं डिथर दि मोड के लिए आप क्या करेंगे सेम आपको वो ही करना है जो आपने अभी किया था आप यहां से आ, फाइल पे गए वहां से आपने एक फिगर बनाया कोई भी क्रिएट फिगर इस फिगर को आपने ऐड कर लिया एनिमेशन में ठीक है आपने ओके पे क्लिक किया तो ये जो आपका एक स्टिक फिगर है ये साथ में इसमें ऐड हो गया अब हम इसको कोई बैकग्राउंड दे देते हैं तो हम यहाँ से बैकग्राउंड पे गए और हमने डेस्कटॉप पर से एक बैकग्राउंड ले लिया ये वाला लिया था हमने ठीक है ओके okay कर दिया इसको अब देखिए जब आप फाइल पे जाएंगे और इसको आप करेंगे सेव तो आप इसको कहां पे सेव करना चाहते हैं जैसे आपने इसको सेव किया डेस्कटॉप पे ठीक है तो ये जो हमारी फाइल है ये इस तरीके से सेव हो गई और यहाँ पे ये बैकग्राउंड जो है ये आ गया तो इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यूज कर सकते हैं अपने बैकग्राउंड uh, में और अभी जो मैंने आपको बताया था कि कलर रिडक्शन फीचर तो वहां पे जाके आप कलर रिडक्शन फीचर में जाके आप डिथरिंग या नो no डिथरिंग को सेलेक्ट uh, कर सकते हैं तो जिससे क्या है कि आपका अगर डिथर मोड ऑन है तो वो आपका जो बैकग्राउंड uh, है जो आपका इमेज है उसकी अपियरेंस को इम्प्रूव करेगा एनिमेशन में लेकिन डिथरिंग से आपकी जो फाइल साइज है वो बढ़ सकती है ठीक है जो आपका इमेज साइज है वो बढ़ सकता है डिथरिंग मोड से ठीक है उसके साथ में ही आप ऑप्टिमाइजेशन फीचर से मर्ज फ्रेम भी कर सकते हैं कलर पैलेट भी यूज कर सकते हैं और क्रॉप भी कर सकते हैं ठीक है तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं यहाँ से हम एक बार करके देख लेते हैं यहाँ पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे हमने क्लिक किया एक्सपोर्ट एनिमेशन पे और एक्सपोर्ट एनिमेशन पे हमने जाके इसको कुछ भी नेम दे देते हैं हम लाइक हमने दे दिया माय एनिमेशन और हमने क्लिक किया सेव पे तो देखिए यहाँ पे ये जो आया है इसमें हम ये देखिए यहाँ पे डिथर मोड है डिथर मोड पे जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए नो डिथरिंग है अगर आप डिथरिंग नहीं रखना चाहते हैं और ये सारे डिथरिंग के अलग अलग ऑप्शन है जिनको आप सेलेक्ट करके देख सकते हैं अपने एनिमेशन में ठीक है इनमें से जो भी आपको सेलेक्ट करना हो आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से आप कलर रिडक्शन के फीचर सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको 2 कि आपको 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 ही कलर चाहिए 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 कलर्स कलर्स या पूरे कितने कलर्स चाहिए आपको अपने एनिमेशन में वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और ऑप्टिमाइजेशन के लिए आप यहाँ से मर्ज कर सकते हैं फ्रेम्स को कलर पैलेट यूज कर सकते हैं या क्रॉप कर सकते हैं तो so, ये दीज और आर द थ्री टॉपिक्स फॉर टू डेज क्लास फर्स्ट इज कलर रिडक्शन फीचर जिसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं सेकेंड वन इज डिथर मोड जिसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं एंड थर्ड वन इज ऑप्टिमाइजेशन जो आप यहाँ से कर सकते हैं ऑप्टिमाइजेशन मीन्स आप अपने uh, जो आपका एनिमेशन uh, है उसका फाइल साइज कैसे रिड्यूस uh, कर सकते हैं टू सेव द स्टोरेज स्पेस

I will share your homework in your class group. So, do complete your homework on time and do all the work in Interleaf Notebook. Thanks for watching this video. Stay healthy, stay safe, and keep learning. Have a nice day.